तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे स्विगी आगे निकलते हुए दिख रहा है और यहाँ पे जोमेटो थोड़ा पिछड़ते हुए दिख रहा है। वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुंबई में बारिश वगैरह जोरों शोरों से चल रही है, तो भाई कंपैरिजन वीडियो बना दो कि हम लोगों को स्विगी और जोमेटो दोनों की तरफ से बेसिकली क्या देखने मिल जा रहा है इंसेंटिव, और रेन मोड वगैरह हम लोगों को कहाँ पर देखने मिल जाता है, एडवांटेज किस में है, कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है, इस चीज़ के ऊपर दोस्तों एक वीडियो बनाओ। तो मैंने आज जो है सोचा क्यों ना हम लोग कंपैरिजन वीडियो बना दें। अब जो टाइम की बात करूँ दोस्तों, तो बज रहे हैं रात के 1:45, 1:41। तो बेसिकली दिन में जो है वो टाइम नहीं होता, काम पे जाते हैं, तो हम भी रेड मोड में काम कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हम लोगों को दोनों कंपनी की तरफ से रेड मोड में क्या देखने मिल जा रहा है और क्या देखने नहीं मिल जा रहा है। दोस्तों सोचूंगा, जितना कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो बने, 5 से 6 मिनट में ये पड़ जाए और आप लोगों को भी अपनी बातें जो है वो समझा दूँ और आप लोगों को भी इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग जोमेटो की। तो जोमेटो में हम लोगों को रेन मोड जो देखने मिलता है 10 रुपये से लेकर 40 रुपये के आसपास, डिपेंडेबल ये है कि वो कितना परसेंटेज दे रहे हैं। फिलहाल वो परसेंटेज दे रहे थे, बट अभी हाल फिलहाल में जो है उन लोगों ने चेंजेस किया हुआ है कि वहाँ पे पैसा दिखा रहा है 10 रुपये से लेकर 40 रुपये के आसपास। अभी प्रेजेंट में जो है रेन मोड ऑन है मेरे लोकेशन पर, तो यहाँ पे 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक हम लोगों को एक्स्ट्रा जो है रेन मोड वगैरह देखने के लिए मिल जा रहा है। तो ये देख सकते हो, ये है अपने लोकेशन का रेन मोड। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा साइड में कि अभी प्रेजेंट में जो है हम लोगों को 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक के जो रेन मोड वगैरह देखने मिल जा रहे हैं जोमेटो में, जो बज रहे हैं रात के 1:45। अब हम चेक करेंगे दोस्तों कि स्विगी में हम लोगों को अभी फिलहाल में रेन मोड वगैरह क्या देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है और रेन मोड वगैरह हम लोगों को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साइड में, ये देख सकते हो, ना ही यहाँ पे भी कोई नोटिफिकेशन आया है रेन मोड से लेके। 4 घंटा पहले जो है यहाँ पे दिखा रहा था, बट अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा। बट इनकी बात करूँ दोस्तों, तो ये भी जो है वो 30 रुपीज़ के आसपास रेन मोड दे देते हैं, कभी 20 कभी 30। फर्स्ट डे जो है 30 चल रहा था, सैटरडे संडे, और मंडे तो कल मुझे आई थिंक जो आइडिया नहीं है कि क्या दे रहा था, बट आज जो है वो दे रहा था 20 रुपये ही, ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास ही दे रहा था हम लोगों को, क्योंकि आज मैंने जो ऑर्डर डिलीवर किया है उसमें जो है मुझे 20 रुपीज़ के आसपास ही देखने के लिए मिला था। तो ये 30 रुपीज़ के आसपास देखने मिला था, यहाँ देख सकते हो। तो 30 रुपीज़ हम लोगों को दिया गया था, बाद में फिर 20 रुपीज़ भी दिखा रहा था। तो इनका भी जो है फ्लैक्चुएट होते रहता है। जोमेटो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया 10 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़, बट इसके पहले जो है परसेंटेज वगैरह देखने मिल रहा था, आज जो है हम लोगों को यहाँ पे रुपीज़ वगैरह देखने के लिए मिल रही है। और स्विगी में जो है 30 रुपीज़ और 20 से 30 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब रेन मोड में अगर हम जोमेटो में काम करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट है, स्विगी में क्या बेनिफिट है, और रेन मोड कौन कब देता है और कौन कैसा देता है। तो पहले बात करूँ दोस्तों, जब भी बारिश होती है, बारिश होने के 2 या 4 मिनट बाद में वो रेन मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, या कभी कभी आप लोगों को मैन्युअली भी अपलोड करना पड़ता है, ऑन करने का रिक्वेस्ट वगैरह देना पड़ता है अपने टीयर वगैरह को या अपना ग्रुप हो उसमें, या तो फिर अगर कंपनी के पास में वहाँ पे सिस्टम होता है जोमेटो में कि रेन आ रही है तो आप एक स्क्रीनशॉट एक 3-4 सेकेंड का 5 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर दो ऑप्शन में जाके, तो आपका रेन मोड जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन किया जाता है। बट इनका जो रेन मोड होता है वो सिस्टमेटिक होता है और ये इन्फॉर्म करते हैं बंद करने के पहले कि ये 10 मिनट बाद में या 5 मिनट बाद में रेन मोड ऑफ हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो अगर बारिश हो रही है तो उसका एक स्क्रीनशॉट उसका एक 5 सेकंड का वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, उसी वक्त वहाँ पे जाओ आपको ऑप्शन आता है तो वो रेन मोड जो है कंटिन्यू हो जाएगा कंपनी देखने के बाद में। अब यही बात अगर मैं स्विगी करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेन मोड बंद हो जाता तो हम लोगों को पता नहीं चलता, जो डैशबोर्ड है हम लोगों का उसी पर हम लोगों को दिखाई देता है कि रेन मोड ऑन है या ऑफ है। तो ये एक हम लोगों को थोड़ा एडवांटेज नहीं लगा, डिसएडवांटेज है फिलहाल स्विगी की बात करूँ तो। यहाँ पे जो है हमें ग्रुप में इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो कुछ 4-5 सेकंड का यहाँ पे भी ग्रुप में भी जो है अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद में जो टीम लीडर वगैरह आगे इन्फॉर्म करके रेन मोड को ऑन करवा देते हैं। तो दोनों में एक हम लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, एक में कंपनी बंद करने के पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करती है कि रेन मोड बंद हो जा रहा है 10 मिनट पहले, तो अगर बारिश हो रही है तो प्लीज़ 5 सेकंड का वीडियो अपलोड कर दीजिए, उसके बाद में कंपनी वेरीफाई करेगी फिर उसको आगे कंटिन्यू रखेगी। यहाँ पे जो है विदाउट इन्फॉर्मेशन जो है सीधा ही हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे चालू है या बंद है। ये दोनों हम लोगों को काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस देखने मिलता है, क्योंकि बारिश एक वक्त हो रही है और आप लोगों को पता है बारिश हो रही है, बट कंपनी को पता ही नहीं कि बारिश हो रही है, फिर आपको वाया इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है और यहाँ पर डायरेक्ट चला जाता है। अब बात करूँ दोस्तों कि रेन मोड में हम लोगों को कौन परफेक्ट दे रहा है और कौन परफेक्ट नहीं दे रहा। अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ जोमेटो की, तो अगर आपको मल्टी ऑर्डर लगता है तो उसमें से सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर का आप लोगों को रेन मोड मिलता है,
वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों स्विगी की, तो हम लोगों को अगर मल्टी ऑर्डर लगाया है तो दोनों ऑर्डर पे हम लोगों को रेनमोड वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे स्विगी आगे निकलते हुए दिख रहा है और यहाँ पे जोमेटो थोड़ा पिछड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आगे बात किया है मैंने इससे रिगार्डिंग जो है टीएल वगैरह से जोमेटो में, तो उनका कहना है कि इस पर जो है वो काम चालू है, आने वाले एक दो दिन में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने मिल जाएगा और दोनों ऑर्डर पर आप लोगों को जो है इसमें रेनमोड वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गई बड़ी बात। अब होता क्या है कभी कभी दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ, जोमेटो का एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गोरेगांव में बारिश चालू है और मलाड़ा वेस्ट में जहाँ आप डिलीवर करने जा रहे हो वहाँ बारिश नहीं है, या सपोज़ अगर आप जिस लोकेशन पे पिकअप कर रहे हो उस लोकेशन पे बारिश नहीं है और जिसमें ड्रॉप करने जा रहे हो वहाँ हम लोगों को बारिश वगैरह देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ ये होगा कि यहाँ रेन मोड बंद है बट वहाँ तो आप जा रहे हो तो वहाँ पर बारिश चालू है। उस सिचुएशन में जो है आप लोगों को वहाँ पे जो चांसेस होते हैं रेन मोड नहीं मिलने के, क्योंकि आपके लोकेशन पे जो है वो बारिश नहीं हो रही है, या आपने जिस टाइम पे शायद ऑर्डर पिकअप किया हुआ है या ऑर्डर एक्सेप्ट किया हुआ है उस वक्त अगर रेन मोड बंद था तो शायद हम लोगों को उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे रेन मोड देखने के लिए नहीं मिले। बट यही सेम अगर बात करूँ दोस्तों तो स्विगी यहाँ पर हम लोगों को कहीं आगे निकलते हुए दिखता है, क्योंकि अगर सपोज आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया हुआ और मर्चेंट लोकेशन पे जाने के पहले ही अगर वहाँ पे रेन मोड ऑन हो गया है या कस्टमर अपने ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद पिकअप कर लिया और अब कस्टमर लोकेशन पे जा रहे हो उस बीच में अगर रेन मोड ऑन हो गया है पर्टिकुलर, तो आपको जो है वहाँ पे रेन मोड वगैरह का जो इंसेंटिव वगैरह देखने के लिए आपको मिल जाता है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये टोटल एनालाइजिंग जो है वो मैंने पर्सनल की हुई है, अपने हिसाब से की हुई है और उस टाइम को हर एक वक्त को जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करके की हुई है कि हमें कब देखने मिलता और कब नहीं देखने मिलता। यहाँ पे हम लोगों को स्विगी जो है थोड़ा आगे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ऑन द वे रेन मोड ऑन हो जाता है उसका भी पैसा मिलता है, मल्टी ऑर्डर जो है रेन मोड उसका भी पैसा मिलता है। जोमेटो में जो है हम लोगों को मल्टी ऑर्डर में नहीं मिलता, ऑन द वे अगर है तो उसमें हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे 10 से 40 रुपीज़ के बीच में मिलता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, यहाँ पे 20 रुपीज़ या कभी कभी हम लोगों को फ्लैट 30 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों मेजर डिफरेंस और सबसे बड़ी डिफरेंस की, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने संडे के दिन लॉग इन किया था स्विगी में, तो संडे के दिन जब मैंने स्विगी में लॉग इन किया था और रेन मोड प्लस इंसेंटिव वगैरह जो हम लोगों को देखने मिल रहा था यहाँ पे, ये देखने मिल रहा था कि 40 रुपीज़ के आसपास जो है हमें कंपनी इंसेंटिव दे रही थी और 30 रुपीज़ के आसपास हमें रेन मोड देखने मिल रहा था, और बेसिक जो है जो स्विगी हम लोगों को 20 रुपीज़ के आसपास देता है ऑर्डर डिलीवर करने का, तो टोटल हम लोगों का कॉस्टिंग बढ़ जाता है 90 रुपीज़ पर ऑर्डर, ठीक है। बट उस दिन क्या हुआ इंसिडेंट कि हमें जो रेन मोड मिल रहा था और इंसेंटिव वगैरह जो मिल रहा था, तो मैं इंसेंटिव तो ठीक है छोड़ दो, मैं पहले रेन मोड की बात करता हूँ। तो रेन मोड में बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर इंस्टामार्ट के ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये के आसपास ही मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे स्विगी जोमेटो की बात करो तो यहाँ तो कोई ऐसा इंस्टामार्ट वगैरह है नहीं, इनका ब्लैंकेट जो है वो सेपरेटली डिलीवर्ड होता है, तो यहाँ पे जो है इनको हर ऑर्डर पे रेन मोड देखने के मिल जा रहा था और जो दे रही थी कंपनी वो हर ऑर्डर पे दे रही थी। बट यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है कि इंस्टामार्ट के जो हमारे ऑर्डर होते हैं उसमें हम लोगों को 15 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है कि आपको 15 रुपये या 10 रुपये दो में से कोई एक चीज़ मिलेगी। अगर 30 रुपीज़ है तो 15 रुपीज़ मिलेगा आपको इंस्टामार्ट के ऑर्डर के लिए, और 20 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ के आसपास जो है दोस्तों आपको ऑर्डर डिलीवर्ड करने के लिए रेन मोड का इंसेंटिव देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस मिलता है देखने के लिए। बट इसके बाद क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है या एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है आपको इंस्टामार्ट के ऑर्डर ज़्यादा देखने मिल जाते हैं और फूड वगैरह के ऑर्डर जो है कम देखने मिल जाते हैं। इसमें आपका लॉस ये है कि अगर फूड ऑर्डर के आप डिलीवर कर रहे हो पर फूड ऑर्डर तो 90 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को देखने मिल जाता है, और अगर आप नॉर्मल अगर ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो तो इंस्टामार्ट के 35 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। तो रेन मोड में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो दोनों जो है यहाँ पे हम लोगों को स्विगी थोड़ा आगे निकलते हुए दिख रहा है और ये जो है थोड़ा पीछे निकलते हुए दिख रहा है। बट अगर मैं इंस्टामार्ट का कंपेयर कर दूँ दोस्तों इसके साथ में, तो फिर दोनों का बैलेंसिंग एकदम सेम हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा देखने मिलेगा ना यहाँ देखने मिलेगा। बट एडवांटेज हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है। तो खुद लॉग इन करो दोस्तों और खुद जो है अपना चेक करो कि आप लोगों को किस कंपनी में जो है बारिश में काम करना चाहिए और किस कंपनी में नहीं करना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करके जो वीडियो बनाया है दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप कंपनी ऑफिशियल हो और आपको लगता है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे समझाने की कोशिश कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या गलत बोला है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले लेगी। तो अगर कंपनी को एक्शन लेना है तो ले सकती है, डोंट वरी, मैं खुला बोलता हूँ। बट अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है तो उसको साबित करके दिखाओ या मुझे बताओ कि आप जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा मुझे पीठ पीछे बोल रहे हैं अभी अपने लोकेशन पे कि आपके बारे में जो है वो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो।
तो मेरे इन्फॉर्मेशन से अगर किसी को तकलीफ है तो वो पहले आके मुझे डिफाइन करे, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत है, क्योंकि मैं एनालाइज़ करता हूँ खुद। मैंने संडे के दिन जो है वो स्विगी लॉगिन किया है, मंडे मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक जोमेटो लॉगिन किया है, तो टोटल उसमें मैंने जो इंसेंटिव और अर्निंग वगैरह जो बनाया है उसके ऊपर भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और हाल फिलहाल हमारे लोकेशन पे क्या क्या चल रहा है उसको भी आने वाले टाइम में अपडेट्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है अभी आने के बाद में लोकेशन पर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसको और क्लियर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोनों में से आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा, या कौन सा आपके लोकेशन पे कंपनी ज़्यादा दे रही है या हमारे लोकेशन पे ज़्यादा दे रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे आए नए हो दोस्तों तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते।